दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो इंश्योरेंस के ऊपर है। इंश्योरेंस रिन्यूअल कितनी, आपका जो अमाउंट है कितना लगेगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी बाइक की जो इंश्योरेंस है उसको रिन्यू करवाया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कितना अमाउंट लगा और क्या क्या चीजें उसमें कवर हुई हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस नाम से ये इंश्योरेंस मैंने ली है। और जब शुरू में नया व्हीकल था, जब फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस करवाई थी, तभी मैंने टाटा AIG की ही इंश्योरेंस ली थी और काफी हेल्पफुल रही है मेरे लिए। और अभी जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, नॉर्मल सी इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पॉलिसी नंबर जो भी है बाद में। ये काफी, इस पॉलिसी नंबर को आप जरूर याद रखें। अगर मान के चलिए आपसे ये पेज जो है कभी गुम हो भी गया, तो आप पॉलिसी नंबर से आपका दोबारा से प्रिंट ले सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बाकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन इन्होंने व्हीकल के बारे में दे रखी है, मतलब RTO वगैरह, चंडीगढ़, व्हीकल नंबर हो गया, बाकी जो भी है। अब मैं अगर प्राइस के ऊपर आता हूं, तो व्हीकल की, अगर जैसे व्हीकल का प्रीमियम गया है तो 1182 रुपये, ये मेरा जैसे एक साल के लिए गया। और उसके बाद जीरो डेप्रिसिएशन का अगर प्रीमियम गया 336 रुपये। अब जीरो डेप्रिसिएशन, अगर दोस्तों मैंने पहले भी एक इंश्योरेंस के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तो जीरो डेप्रिसिएशन ये रहता है, डेप्रिसिएशन वैल्यू जो व्हीकल की टाइम टू टाइम जो मतलब कम होती जाती है, तो आपको क्लेम का पूरा पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर जीरो डेप्रिसिएशन अगर आपने शुरू में ही फर्स्ट टाइम ले रखी है, तो आपका ये, अगर आपका बाइक का कोई भी पार्ट आप क्लेम करते हैं, तो डेप्रिसिएशन वैल्यू आपको मींस कि अगर 100 रुपए की चीज है, तो 100 रुपीज ही आपको पूरी तरह से इंश्योरेंस में क्लेम कर दिया जाएगा। अब इसका टोटल जो है 1518 रुपए आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये हो गया आपका ओन डैमेज प्रीमियम ए का है। अब बी के ऊपर मैं जाता हूं, तो थर्ड पार्टी के अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, 985 रुपीज थर्ड पार्टी के, जो मतलब आजकल 5 साल के लिए कर रहे हैं, नई अगर बाइक लेते हैं, नया व्हीकल अगर आप लेते हैं, तो थर्ड पार्टी आपकी 5 साल के लिए होती है, उस टाइम वो आपका प्रीमियम उस गाड़ी पे बढ़ के आया होगा, इस पे थोड़ा सा कम लगा है क्योंकि एक सिर्फ एक साल के लिए है। उसके बाद दोस्तों अगला जो बेसिक मेन चीज जो आपको मैं बताना चाहता था, ये है कवर फॉर ओनर ड्राइवर। अगर मान के चलिए, भगवान ना करे कभी किसी के साथ कोई भी गलत हो, लेकिन इन केस अगर ड्राइवर की डेथ हो जाती है ओनर की, तो आपको 1,500,000 रुपए इस इंश्योरेंस में मतलब क्लेम कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों इन दोनों का टोटल प्रीमियम ए और बी का, जैसे मैंने यहां पे 1518 और यहां पे जैसे कि मान के चलिए 1360, इनको ऐड करके 2878 रुपए ये पूरा बन रहा है यहां पे। और GST मिला के ये 3398 रुपए की ये पूरी जो इंश्योरेंस है हुई है। तो दोस्तों थोड़ा सा तो मुझे लगा है कि मतलब अभी इंश्योरेंस कुछ टाइम पहले महंगी हुई है, उस वजह से जितना मुझे याद है लास्ट टाइम इंश्योरेंस हुई थी जब नई ली थी मैंने बाइक, उस टाइम पे 3700 या 3500 रुपए के आसपास थी। तो मेरे हिसाब से मतलब सेम ही हुई है, कम नहीं हुआ प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम में थोड़ा सा ये चीज ऐड हो चुकी है 375 रुपए, तो वैसे हेल्पफुल है ये चीज। तो आई होप दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई, और लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अगर कार में है तो सीट बेल्ट पहनिए, और अगर बाइक पे है तो हेलमेट जरूर पहनिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।